तो हेलो गाइस सर, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया रहेंगे। तो गाइस सर, मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि गाइस वन टैप आप कैसे लगाते हो भाई, वन टैप आप कैसे लगाते हो। तो गाइस सर, मैं फाइनली वन टैप का एक वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही ओपी वाला। मैंने इसमें टिप एंड ट्रिक्स दिया है बहुत ही ओपी तरीके से। फाइव पॉइंट में बताऊँगा, आप उनको फॉलो करके गाइस बहुत अच्छी तरीके से गाइस आप वन टैप लगा सकते हो। बहुत ही ईजी ट्रिक है और आप वो फाइव ट्रिक को अगर करोगे और या प्रैक्टिस करोगे तो गाइस बहुत ही ओपी वाला वन टैप लगा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो गाइस यार, वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ओपी होने वाली है। और एक बात गाइस, वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि गाइस मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका थोड़ा सा आंसर देना क्योंकि मुझे वो थोड़ा चाहिए। तो लास्ट तक ज़रूर देखना। और एक बात गाइस, वीडियो का लाइक कैम हमने 20,000 रखा है, मुझे पता है आप लोग कर दोगे, तो ठोको लाइक गाइस। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि गाइस आपका सेंसिटिविटी मैन है। तो गाइस सर, सेंसिटिविटी आपका हमेशा गाइस 100 रखना चाहिए, जैसे कि मैं ये वीडियो पे अब दिखा रहा हूँ। आपके जो सारे रेड डॉट या जनरल है सब कुछ 100 करना है। और गाइस और एक बात, कि फायर बटन हमेशा 50 से ऊपर रखना है, फायर बटन का साइज हमेशा 50 से ऊपर रखना है, मेरा 54 है। और एक बात है गाइस, हमेशा गाइस अपना जो गन स्विच है, जो ऊपर जो गन स्विच है उसको भी हमेशा थोड़ा सा बड़ा करना है, क्योंकि गाइस जब हम गन स्विच करते हैं तो छोटा जब होता है तो हमारा गन स्विच नहीं हो पाता है, थोड़ा लेट लगता है, पर जब हमारा बड़ा होता है तो हम ईजी से हम गन स्विच कर सकते हैं। तो हमेशा गाइस गन स्विच को भी जो है थोड़ा सा बड़ा करना है, तभी आपका वन शॉट बहुत अच्छी तरीके से लगेगा। तो गाइस पॉइंट नंबर सेकंड पे आते हैं, दो तरीके से ड्रैग होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया दो तरीके से वन टैप होते हैं, एक चेस्ट ड्रैग होता है, एक ग्राउंड ड्रैग होता है। तो चेस्ट ड्रैग पे होता है हल्का सा ड्रैग होता है, चेस्ट ड्रैग जो होता है थोड़ा सा हल्का सा ही ड्रैग होता है, और जो ग्राउंड ड्रैग होता है थोड़ा सा तेज ड्रैग होता है। तो गाइस सर, मैं फर्स्ट बता रहा हूँ चेस्ट ड्रैग, और चेस्ट ड्रैग कैसे मारते हैं मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाके आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको गाइस ट्रेनिंग ग्राउंड पे आना है और ट्रेनिंग ग्राउंड पे ही आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो गाइस सर, आप देख सकते हो, मैं ये वीडियो पे स्लोमो पे भी दिखाऊंगा। तो आपको गाइस क्या करना है कि आप जब बंदा दिखे सामने तो आपको सिंपल से गाइस चेस्ट से ड्रैग करना है, क्योंकि बहुत ही इजी होता है ये ट्रिक और सभी अपनाते हैं, सभी जानते हैं ये ट्रिक, ज़्यादातर नहीं जानते पर उन लोगों के लिए अपुन है ना, तुम्हारा भाई। तो ये है गाइस स्लोमो पे, आपको गाइस क्या करना है, चेस्ट पे एम लेना है गाइस और सीधा ऊपर ड्रैग करना है, ठीक है। तो जब चेस्ट पे रेड डॉट आएगा तभी ऊपर ड्रैग करना है, जब चेस्ट पे आप देख सकते हो, मैं अभी गाइस ये मैंने स्लोमो पे दिखाया, ऐसे ही गाइस आपको चेस्ट पे एम लेना है और आपको हल्का सा ड्रैग करना है, याद रखना आपको हल्का सा ही ड्रैग करना है चेस्ट पे एम लेके, और सीधा गाइस ड्रैग लगेगा, ये मेरा 100% दावा है। अब बात करते हैं ग्राउंड ड्रैग की। तो गाइस ग्राउंड ड्रैग पे आपको क्या करना है कि आपको बॉडी पे एम नहीं लाना है, जैसे चेस्ट ड्रैग पे आपको चेस्ट पे एम लेके आपको हल्का सा ड्रैग करना था, तो आपको ग्राउंड ड्रैग पे आपको बॉडी पे लाना ही नहीं है, आपका जो एम है ना वो वाइट रहनी चाहिए, या तो लेफ्ट या राइट या नीचे थोड़ा सा एनिमी के पास में रखना, पर बॉडी पे एम मत रखना। और गाइस आपको ऐसे ही करके गाइस थोड़ा सा ड्रैग करना है, मतलब थोड़ा सा तेज से ड्रैग करना है, जैसे कि मैं अभी स्लोमो पे दिखाऊंगा ये वीडियो पे। तो गाइस मैंने ये वीडियो पे स्लोमो पे दिखाया, और ठीक से देखना कि मेरा जो फायर जो मेरा एम है वो वाइट ही रहेगा, ठीक है, मेरा वाइट रहेगा, और मैंने सीधा ड्रैग किया, थोड़ा सा तेज करके ड्रैग किया, अभी वाइट या सीधा मैंने ड्रैग किया हेड पे लगा। तो गाइस सर, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, आपको बस थोड़ा सा एनिमी के पास पे एम रखना है, बस वाइट रखना है, बॉडी के पास मत रखना, और सीधा ऊपर आपको ड्रैग करना है, मतलब थोड़ा सा तेज ड्रैग करना, जैसे कि एम सीधा हेड पे ही लगेगा, हेड पे चिपकेगा, हेड से कहीं दूरी नहीं जाएगा। पर याद रखना कि ये ट्रिक बॉडी पे जब होता है तब काम नहीं देता, आपको क्या करना है, आपको एनिमी के पास पे रखना है, या तो नीचे या तो लेफ्ट राइट पे थोड़ा सा वेट रखना है, और तुरंत सीधा आपको ड्रैग करना है तो सीधा आपका पूरा हेड लगेगा। तो पॉइंट नंबर 3 है कि गाइस आपको 180 का प्रैक्टिस करना है। गाइस 180 अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो आप ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाके आपके फैन के साथ या जिसके भी साथ आप ट्रेनिंग ग्राउंड पे खेल के आप 180 सीख सकते हो। पॉइंट नंबर 4, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। एंड अगर आप लोग हेडशॉट मारना सीख भी जाते हो एंड प्रैक्टिस छोड़ दिए तो वापस से नहीं लगेगा। तो गाइस आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड ज़्यादातर ट्रेनिंग ग्राउंड पे आपको टाइम देनी चाहिए। तो गाइस पॉइंट नंबर 5, तो गाइस सारे अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हो जो मैंने बताया है, तो गाइस आपका ट्रेनिंग ग्राउंड या आपका कस्टम में ही हेड वन टैप नहीं लगेगा, आपका रैंक पे भी लगेगा। तो गाइस ये सारी चीज़ फॉलो करो और वन टैप मारो रैंक पे भी, और इजी तरीके से लगेगा रैंक पे भी।
और ध्यान रखना गाइस, ऐसे गन पे वन टैप मारो जहाँ पे जो गन लगेगा, जैसे कि एस के एस डिजर्ट्स या ड्रैगन ऑफ या शॉर्ट गन या M1014 या PAS-12, ऐसे गन पे ही आप वन टैप मार सकते हो, या ना कि MP40 ये सब पे आप मत मारना, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है और धीरे धीरे सब ट्राई करना, धीरे धीरे होगा, एक साथ में ही सब कुछ मत ट्राई करना। तो गाइस, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो गाइस सर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहता हूं, तो मैं हैंडकैम प्लस टिप एंड ट्रिक्स बनाऊं या रैंक माउंटेज या जो मेरा यूट्यूब जर्नी है मैं उसके बारे में बनाऊं, तो गाइस प्लीज़ कमेंट करना ये जो तीन चीज़ें, ठीक है, मुझे बहुत ज़रूरी है ये कौन सा मैं बनाऊं। और एक चीज़, अगर वीडियो गाइस अगर अच्छी लगी तो गाइस लाइक करना प्लीज़, और अगर वीडियो आपको पसंद भी आ रही है तो गाइस शेयर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में और कमर बहुत दर्द करता है यार, बिलीव करो। तो गाइस यार शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना, और हो सके तो मुझे इंस्टा पे फॉलो भी करना, डिस्क्रिप्शन पे नीचे लिंक मिल जाएगा। और गाइस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहो और आपकी फैमिली भी।